आज तो हम लोग चिकन बनाए कुछ इस तरह से, रात को ही चिकन बनाना पड़ा है। ये तो कड़ाही को छोड़ के ये देखिए पत्ते में पकाने के लिए लगी है। अंडा को कुछ इस तरह से पकाने में आज सुबह की शुरुआत कुछ इस तरह से शुरू होता है। मैं तो आज सुबह सुबह ही बर्फ घिसने के लग जाता हूँ। आज सुबह सुबह का नजारा कुछ इस तरह से है। सूर्य देव तो थोड़ा सा ही निकला हुआ है अभी, और सुबह सुबह सभी लोग खाना पकाने के लिए लग चुके हैं। आज हमको जाना है धान का खरी मढ़ाने के लिए, तो जल्दी जल्दी खाना उन्हें पकाते हैं। आज तो मुझे ही पकाना पड़ रहा है क्योंकि संगीता जी तो उधर चली गई है बर्तन धोने के लिए। तो मैं ये देखिए खाना उन्हें पका रहा हूँ, और मस्त तरीके से पक रहा है चावल का खाना। सुनने में आया है प्यारे दोस्तों कि बहुत ही ज्यादा हाथी आ चुके हैं जंगल की ओर, और हमारे धान उधर ही है, तो जल्दी जल्दी धान को जाना पड़ेगा। तो उसी के लिए इधर तो रूम का सफाई करेंगे, तभी तो इधर धान को लाएंगे। कुछ इस तरह से रूम का हालत खराब हो चुका है, तो जल्दी से जल्दी सफाई करते हैं फिर चलेंगे खेत की ओर। रूम का हालत तो एकदम से खराब है, तो जल्दी जल्दी सभी सामान को निकाल लेते हैं फिर झाड़ू उड़ू लगाएंगे। लेकिन मुझे तो बहुत ही ज्यादा भूख लगा है, तो ये देखिए लौकी को एक तोड़ लिया हूँ, तो जल्दी से जल्दी लौकी को पकाते हैं। लौकी का सब्जी को पकने तक तो इधर थोड़ा सा काम कर लेते हैं। मैं इस तरह से झाड़ू बनाने का सामान को निकाल लेता हूँ, ये देखिए निकालते जाता हूँ। और संगीता जी भी ये देखिए खटिया उटू को सभी चीज को निकालने में लगी है, तो सभी सामान को निकालते हैं। और ये देखिए लौकी का सब्जी तो पक चुका है। डेली का लौकी का सब्जी खाते खाते बोरिंग हो चुके थे, तो हम लोग अंडा ला चुके हैं, तो अंडा को अच्छी तरह से पकाते हैं। ये देखिए कड़ाही में कुछ इस तरह से, और संगीता जी तो देखिए इधर तो मस्त तरीके से पत्ते में पकाने के लिए लगी है, कड़ाही को छोड़ के कुछ इस तरह से पकाने में लगी है। मैं तो इधर कड़ाही में ही पका लेता हूँ कुछ इस तरह से। हमारे घर में तो तावा भी नहीं है, तो ये देखिए कड़ाही में ही मस्त तरीके से ऑमलेट को बनाता हूँ। और इसे तो पसंद ही नहीं आया, तो ये देखिए पत्ते में मस्त तरीके से पकाने में लगी है, और मेरा ऑमलेट तो लगता है पक चुका है। ये देखिए तो पलटी इसे कर ही देता हूँ। ये देखिए ये एक साइड तो अच्छी तरह से पक ही चुका है, तो दोनों साइड को अच्छी तरह से पका लेता हूँ। अब ये देखिए कुछ इस तरह से पक रहा है मस्त तरीके से, थोड़ी देर पकने देता हूँ। अब ये देखिए अभी तैयार कर चुकी है, तो ये भी इधर ही आंगरा में डाल देगी आग में कुछ इस तरह से। ये देखिए प्यारे दोस्तों कुछ इस तरह से देखिए तो डाल दी है, और अच्छी तरह से पकने के लिए छोड़ दे रही है, ऊपर में भी आग को डाल दे रही कुछ इस तरह से। और फाइनली हमारे सब्जी तो पक चुका है ये देखिए, और अंडा भी पक चुका है, ये भी पका ली है, इसको दिखाता हूँ। ये देखिए पत्ते में पकाई है अलग से। तो खाना चालू करते हैं जल्दी से जल्दी, और जाना है अभी खेत की ओर भी जाना है, और रूम का भी सफाई करना है। अब ये देखिए सभी सामान को तो इधर उधर निकाल के रख दिए हैं, और इधर तो सफाई करने के लिए लग चुकी है। ये देखिए पोछा मार रही दोस्तों, ये देखिए इधर को पोछा मारते जा रही दोस्तों। इधर ही धान को रखेंगे, काल में जाना है धान को, तो जल्दी जल्दी पोछा लगाते हैं फिर चलेंगे। ये देखिए इस साइड मचा है। फाइनली हम लोग घर की साफ सफाई तो कर लिए हैं दोस्तों। ये देखिए सभी सामान को इधर उधर रखे हैं, देखिए बिखेर दिए हैं सब चीज़ को। ये देखिए अब इधर पंखा को चालू कर दिए हैं दोस्तों, ये देखिए जो कि बहुत ही ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। देखिए और देखिए पोछा ऊँचे सब चीज़ मार लिए हैं, देखिए कुछ इस तरह से मस्त दिख रहा है। ये देखिए अब रहने देते हैं सूखने के लिए। अभी हम लोग जा रहे हैं दोस्तों खेत की ओर, नहाना भी है, और कल का धान को धोए हैं दोस्तों, उसको खरी मड़ाएंगे, कल मिजाएंगे दोस्तों धान को, तो उसी के लिए हम लोग जा रहे हैं अभी खेत की ओर जाएंगे। अभी संगीता जी अभी पानी लेने के लिए गई है, फिर चलेंगे दोस्तों हम खेत की ओर। अभी हम लोग खेत की ओर निकल चुके हैं, खरी मढ़ाना है तो जल्दी जल्दी चलते हैं। ये देखिए रास्ता का हालत कुछ इस तरह से है, तो चलते हैं। अभी फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं, ये देखिए धान खरी को कुछ इस तरह से रख दिए हैं। देखिए इसी को हमको बीड़ा बीड़ा को इस साइड रखना है, तो जल्दी जल्दी रखते हैं। ये देखिए इधर भी सभी लोग ढो रहे हैं धान को, अपने अपने धान को, तो रखते हैं जल्दी जल्दी एक साइड में फिर चलेंगे, आज धर्मगढ़ जाना है। और ये देखिए फाइनली खरी भी कर लिए दोस्तों, अब चलते हैं नहाने के लिए। अभी हम लोग दोस्तों घर आ चुके हैं नहा धोवा के, अब जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, चलेंगे धर्मजयगढ़, बोरा लेने के लिए जाना है। अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं, अब चलते हैं धर्मजयगढ़ के लिए, निकलते हैं दोस्तों। घर को लोग कर रही है फिर चलेंगे, और हम लोग तो अभी निकल चुके हैं। ये देखिए अभी रास्ते में ही है दोस्तों, ये देखिए इधर का नज़ारा कुछ इस तरह से है, निकल चुके हैं। अभी तो हम लोग धर्मजयगढ़ पहुंच चुके हैं, ये देखिए इधर बाज़ार है, तो गाड़ी को इधर ही छोड़ देते हैं। और हम लोग दोस्तों अभी बाज़ार से आ चुके हैं, और नाश्ता कर लेते हैं थोड़ा सा, समोसा वमोसा
खा लेते हैं जल्दी से जल्दी। ये देखिए समोसा है। अभी तो हम लोग पहुँच चुके हैं घर और इधर चलता हूँ, भदक लोग किस तरह से बैठे हैं दोस्तों दिखाता हूँ। ये देखिए अभी अभी खाए हैं और ये देखिए कैसे बैठे हैं, बढ़ गए हैं दोस्तों बहुत बड़े बड़े। ये देखिए कैसे मस्त दिख रहे हैं दोस्तों। एक को तो पकड़ लिया, अरे पकड़, अरे 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 कहाँ भाग रहा है, ये देखिए भाग रहा है दोस्तों। इधर उधर भागने के लिए होता है, देखिए हमारा प्यारा सा भदक, ये देखिए जा रहा है उस साइड, ये देखिए किस तरह से कर रहा है। अब इधर दो ठो हैं, इधर टोटली आठ ठो हैं। और दोस्तों अभी रात हो चुका है, हम लोग तो बाज़ार गए थे तो चिकन लाए हैं दोस्तों, उसी को आज पकाएंगे मस्त तरीका से। ये देखिए अभी तो प्याज को अच्छी तरह से भूंजने देते हैं। अब ये देखिए अब डालेंगे दोस्तों, इधर देखिए सभी सामान को भी खेल लिए हैं, ये देखिए किस तरह से दिख रहा है। अभी तो भुजा चुका है लगता है, तो डाल देते हैं खड़ा मसाला को। ये देखिए कुछ इस तरह से डाल दिए हैं हम लोग, जल्दी जल्दी पकाते हैं। काफ़ी रात हो चुका है दोस्तों, हम लोग पकाने में लगे हैं। ये देखिए अच्छी तरह से पकने देते हैं, फिर डालेंगे चिकन को। ये देखिए थोड़ी देर पकने देते हैं, इसका स्वाद बहुत ही आ रहा है दोस्तों खड़ा मसाला का। तो ये तो अच्छी तरह से भुजा चुका है खड़ा मसाला भी, तो डालते हैं चिकन को जल्दी से जल्दी। ये देखिए हम चिकन को डाल दिए हैं दोस्तों, ये देखिए कुछ इस तरह से रात को बना रहे हैं चिकन। सब चीज़ डालते हैं, हल्दी मसाला सभी चीज़ दोस्तों। ये देखिए ये मसाला डाल रहे हैं दोस्तों, ये तो टमाटर काटने के लिए लग चुकी है। ये देखिए और देखिए मिर्च पाउडर को भी डाल देते हैं थोड़ा सा, ये देखिए और कड़ा मसाला को भी डाल देते हैं, देखिए चिकन मसाला। ये देखिए थोड़ी देर रहने देते हैं और चिट्टू को अच्छी तरह से चला देते हैं। ये देखिए फिर पारी जाएगा, नमक को डालेंगे फिर दोस्तों। पहले ये देखिए टमाटर को डालेंगे। अब ये देखिए कुछ इस तरह से पक चुका है, ये देखिए तो टमाटर को भी डाल दी है अभी तो। ये देखिए किस तरह से पका है, हर चीज़ पक रहा था दोस्तों। ओहो क्या ही खुशबू आ रहा है दोस्तों इसका। और ये देखिए प्यारे दोस्तों, ये तो ये देखिए चावल को निकालने के लिए लग चुकी है, अच्छी तरह से भूंज ली है। और हमारा चिकन भी ये देखिए पक चुका है, तो उतार लिए हैं, देखिए किस तरह से दिख रहा है। ये देखिए कितना मस्त दिख रहा है दोस्तों, हम ये तो खाने के लिए चालू कर चुकी है। ये देखिए मैं भी चालू करता हूँ दोस्तों खाने के लिए, काफ़ी मज़ा आ रहा है दोस्तों। एकदम कैमरा का तो घटिया क्वालिटी है दोस्तों, अच्छे से नहीं आ रहा है देखिए। तो आज का इस छोटे से ब्लॉग को यहीं पे रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।